बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं साग पूरी बना रही हूँ। देखिए थोड़ा है, एक 6-7 पूरी बना रही हूँ मैं। आटा मैदा है, ये नमक है, ये खाते सो सोडा है, ये दही है, थोड़ा तेल डाल के बता रही हूँ आपको। आटा भिगा ली, देखिए आधा घंटा हो गया। ये थोड़े बना के बता रही हूँ आप लोगों को। कई को बोले तो ये नरम कई को होता है, बोल को आटा बोल के बोले तो। ये मैदा है ना, तो इसमें थोड़ा दही डालना, थोड़ा खाते सो सोडा डालना, और बोले तो तेल डालना। डाल के पानी अपने हिसाब से डाल के भिगा लेना। देखिए मैं मेरे दो बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, आप लोगों को ज़्यादा बना के नहीं बता रही। तो ये साग पूरी इस सांभर के साथ बहुत अच्छा रहता मालूम, बहुत मज़े की रहती। बहुत जने बनाए तो ये घट होते बोल के बोलते, तो घट कई को होते बोले तो दही नहीं डालते उसमें, वो तो सोडा तो डालते। बहुत जने नहीं बोल के नहीं, इसको अच्छा भिगा के क्या करना, अच्छा ढाप के कपड़ा भी लगा सकते हैं आप, नहीं भी लगा सकते उसके अंदर क्या भी ये कर सकते, समझो ऐसा कटोरे के अंदर डाल के एक डब्बे के अंदर, नहीं तो प्लास्टिक के डाल के रख देना। ये देखिए ऐसे पेड़े बना लेना, चाकू से भी काट ले सकते आप। मेरे को तो अंदाजा है, रोज़ रोटी डालते ना हम लोग बोल के, वो हिसाब से मैं आप लोगों को ऐसा पूरा बना लेना समझो। ऐसा ये रोटी कैसा बेलते ना अपन, वैसा बेल लेके क्या करना, अच्छा पूरे एक जगह रख लेना। बेल के रख के क्या करना, तेल में जब का जब एक 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 तले तो क्या है समझ में नहीं आता, तो एक 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 नहीं तलना पूरा, अपन 20 बनाओ 25 बनाओ पूरा क्या करना, ऐसा बेल लेके बाजू में रखना। तो ये बाहर से मंगाए तो 20 रुपये में दो आए, परसों में मंगाए तो एक बार इमरजेंसी में मंगाई थी मैं खाएंगे बोल के। तो अपन घर में बनाए तो कितने मज़े के रहते, ये अपन खा भी सकते, नरम हो जाते मालूम। तो अपने हिसाब से तेल डाल लेके भी ज़्यादा कम तेल में भी तल सकते, पिच पिच भी नहीं होते ज़्यादा तेल में भी। बाहर क्या है एक कढ़ाई फुल तेल में तलते उन लगा, अपने हिसाब से तल लेते, खाने के वास्ते भी अच्छा दिखता है। तो इडली भी, इडली बना के बताऊँगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को। ये देखिए तल रही हूँ मैं, तो ये अच्छा फूलते हैं, इसको कम तेल में तल रही हूँ। देखिए मैं तेल ज़्यादा नहीं डाली इसके अंदर, तो तेल कई को बोल को बोले तो कम तेल में तले तो थोड़ा सा लगता है, उसको ज़्यादा बोले तो पूरा ये हो जाता। ये देखिए कैसा फूल रही, फूलने का भी एक ये है उसका भी, ये वो चीज़ा डालते ना अपन, तो बहुत नरम है ये दिख रहा है ऐसा मर के, आपको तोड़ के भी बताती हूँ मैं इंशाल्लाह। तो ये देखिए लाल कैसा हो रहे, गेहूँ गेहूँ के आटे के भी बना सकते मालूम, गेहूँ के भी बनाते मैदे के भी बनाते, तो मैदे की ज़रा अच्छा दिखते हैं, गेहूँ का भी खाने में मज़ा रहता, वो सूरत उसकी अच्छी नहीं दिखती, गेहूँ की लाल दिखते वो खाने में टेस्ट रहता समझो गेहूँ के। ये देखिए कितने अच्छे हुए। तो अलग अलग आप लोगों को कई को बोले तो खुला खुला तल के बता रही हूँ मैं, मालूम हो ना आप लोगों को बोल के। तो आटे का भी डाल के आपको दही का उसका ये करी ना, तो दही डालने का थोड़े जनों को नहीं मालूम होता, थोड़ा डालना दही आप वो आटे के हिसाब से डालना समझो, कौन आप आधी के जी के वैसा बनाए तो क्या करना, तो उसके हिसाब से भी डाल ले सकते अपन। तो देखिए मैं कम तेल में कैसा लाल डाले जा रहे, देखिए बहुत मस्त रहते ये इसके असल। तो अपने इस देख मैं एक दो तल के आप लोगों को नहीं बता रही, पूरे तल के बता रही हूँ, ऐसा हिला हिला के तले ना तो और ज़्यादा फूलते वो। तो अब इसको मैं 15 मिनट ही छो, आटा भिगा के आधा घंटा नहीं रखी मैं, 15 मिनट में इतना अच्छा होगा वो, आधा घंटा रखे तो और फूल के और बहुत अच्छे होते हो। तो अच्छे होते ये कोसी भी इसके सांभर के साथ खा लिए अपन लोग, तो इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और आलू का एक सालन बना के बताऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों को। तो आलू के बारीक काट के आलू बघार के भी उसके आलू के साथ खाते, इतने मस्त रहते ये पूरी का, इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी मैं वो भी, तो बहुत अच्छे रहते। देखिए मैं कम से कम तेल में तल रही हूँ, कहीं भी बोल को बोले तो ये तेल पिच पिच होता है बोल के बता रही हूँ मैं। देखिए बन गए मेरे पूरियाँ, आज सांभर बनाई ना तो थोड़े पूरियाँ भी इसके साथ खाएंगे बोल के मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितने मस्त हो रहे, तोड़ के बता रही हूँ देखिए आपको मैं। ये देखिए तोड़ रही हूँ मैं, ये देखिए नरम है, देखिए कड़े नहीं है वो, एकदम कड़क का आवाज़ आती देखिए, बहुत ये हुए तो नहीं तो ढीले ढीले भी होते, बहुत अच्छे है देखिए। ये देखिए पूरा मैं दो तीन ऐसा मुदड़ के भी बता रही हूँ आप लोगों को,
लाइक करिए फराना कुकिंग चैनल को, शेयर करिए, देखिए आप लोग भी मेरा वीडियो।